जय भीम, जय भीम, जय श्री राम का आवाज, जय भीम है। अब जय जय श्री राम लगाइए तो हम जय भीम लगावे, यही पर चलेगा। महंगाई भी ठीक, हमारे पप्पू जी पप्पू भाई बोल रहे थे कि महंगाई कहाँ गया, बेरोजगारी कहाँ गया, गैस का सिलेंडर कहाँ गया। तो आपकी सरकार बन गई है। जय श्री राम से खाली आंच में चूल्हा लगा के दिखा दे तब पता चलेगा। बिहार में एनडीए की सरकार क्या गिरी, नीतीश कुमार ने बीजेपी से क्या पल्ला झाड़ा कि गोदी मीडिया को इतनी मिर्ची लग रही है कि वो उसको पचा नहीं पा रहे। जी हाँ, सारे गोदी एंकर जो हैं आज टीवी डिबेट में सवाल करने लगे हैं। अभी सरकार ने, अभी जो है तेजस्वी और नीतीश कुमार ने शपथ ही ली है कि वहाँ के जो एंकर है गोदी मीडिया एंकर, वो सवाल करने लगे हैं कि पहली मीटिंग में तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा था कि हम इतने लाख नौकरियां देंगे, तो तेजस्वी से और नीतीश कुमार से सवाल करने लगे हैं। लेकिन यही गोदी मीडिया पिछले 8 साल में एक सवाल नहीं कर पाई है। यहां तक कि सरकार ने संसद में आंकड़ा दिया था कि 22 करोड़ एप्लीकेशन आने के बावजूद उन्होंने सिर्फ 7 लाख नौकरियां दी है। जी हाँ, इस देश को अगर बर्बादी की कगार पर ले जाने वाला कोई है तो वो है गोदी मीडिया। गोदी मीडिया किस तरीके से, अगर बीजेपी की सरकार है तो वहां पर 7 खून माफ है, वहीं अगर समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या बहुजन नेता जहां पर है आदिवासी है या तमिलनाडु में एमके स्टालिन है, वहां पर अगर कुछ भी घटना होती है तो ये सवाल ऐसे दागते हैं कि समझ लो सारे देश की जिम्मेदारी इन्होंने ही अपने कंधों पर ले ली हो। लेकिन कल जिस तरीके से बिहार में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने शपथ ली, उसके बाद गोदी मीडिया को इतनी मिर्ची लगी है कि वो पचा नहीं पा रही है। इतना ही नहीं, जब गोदी मीडिया अंजना ओम कश्यप बिहार जाती है तो वहां पर उनको विरोध का सामना करना पड़ता है, वो भी वीडियो दिखाऊंगा। इसके अलावा रिपब्लिक भारत जो सबसे बड़ा राष्ट्रवादी चैनल बनता है, उसकी भी एक एंकर को वहां पर बायकॉट गोदी मीडिया सुनना पड़ा। इतना ही नहीं, तेज प्रताप यादव जो तेजस्वी यादव के भाई है, उन्होंने तो यहां तक कर दिया, एक चैनल वाले को शपथ समारोह से ही भगा दिया और बोला ये आरएसएस के दलाल हैं। वो सारी वीडियो दिखाऊंगा किस तरीके से आरजेडी लगातार आरएसएस और बीजेपी से लड़ती आई है। देखिए सबसे पहले उनकी ये वीडियो देखिए, जब शपथ समारोह में तेज प्रताप यादव भड़क गए कि गोदी मीडिया किस तरीके से उनसे सवाल कर रहा था, उन्होंने कहा इनको भगाइए ये आरएसएस के चमचे हैं, तो उनको भगाना पड़ा, जलील करके उन्होंने भगाया है। ये वीडियो देख लीजिए। तो देखा आपने किस तरीके से गोदी चैनल को तेज प्रताप यादव भगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये आरएसएस के दलाल हैं, इनको यहां से निकालिए। देखिए वहीं उत्तर प्रदेश में चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी है, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, कोई भी जो है आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ उतना मुखर होकर नहीं बोलता है, उनसे उतना मुखर होकर नहीं लड़ता है जितना बिहार में आरजेडी लड़ती है। अगर आप इनके सोशल मीडिया अकाउंट पर जाएंगे, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, तो आपको समाजवादी पार्टी में मिलेगा कि आज वहां पर हमने शादी समारोह अटेंड किया, आज वहां पर आशीर्वाद दिया, जबकि बिहार में आरजेडी के सारे ट्विटर अकाउंट पर मिलेगा कि किस तरीके से आरएसएस जो है देश को खोखला कर रही है। रोजगार के सवाल मिलेंगे, सांप्रदायिक सौहार्द के सवाल मिलेंगे, आरएसएस को बिलो द बेल्ट मारते हैं ये लोग आरजेडी वाले। तभी जो है बिहार और यूपी में फर्क है कि आज तेजस्वी यादव ने फिर से सरकार बना ली है, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव और मायावती ईडी और सीबीआई के डर से चुपचाप मौन बनकर बैठे हुए हैं। अब अगला वीडियो देखिए किस तरीके से अंजना ओम कश्यप को जो है चुप कर दिया गया, ये वीडियो देख लीजिए। देखा आपने, ये वीडियो है बिहार का। बिहार में जब अंजना ओम कश्यप, जब बिहार में ये पूरा पूरा सिनेरियो चल रहा था, पूरा
सरकार गिराने की कवायद शुरू हो रही थी तब अंजना ओम कश्यप जो है बिहार पहुंची थी और वहां पर उनको गोदी मीडिया बायकॉट का सामना करना पड़ा। इस वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग स्टूडियो में बैठकर जहर तो फैलाते हैं लेकिन जब ये ग्राउंड पे उतरते हैं एक रिपोर्टर को, एक कैमरामैन को, एक स्टाफ को कितनी दिक्कत होती है, क्योंकि जनता जितनी नाराज है उसका अंदाजा ये नहीं लगा सकते। ये लोग स्टूडियो में बैठकर हिंदू मुस्लिम के नाम पर दो मुर्गे आपस में लड़वाते हैं लेकिन जब इनके रिपोर्टर ग्राउंड में जाते हैं उनको ये सारी चीजें झेलनी पड़ती है। किसान आंदोलन में आपने देखा था, सीए के आंदोलन में आपने देखा था, लेकिन जब ये लोग उतरते हैं तो इनको हकीकत पता चलेगी कि किस तरीके से इनसे और इनके चैनल से और इनकी जो पत्रकारिता है उससे कितने नाराज हैं लोग। तो उसका सामना इनको करना पड़ा और अंजना ओम कश्यप को घेर लिया वहां पर और नारेबाजी कर दी, हुटिंग कर दी, अंजना ओम कश्यप मुर्दाबाद, गोदी मीडिया मुर्दाबाद। तो ऐसे हालात हैं लेकिन इनको अभी भी समझ नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि जो सवाल इनको सत्ता से करने चाहिए थे वो विपक्ष कैसे करते हैं और जो सवाल इनको जनता के सरोकार के लिए करने चाहिए थे वही सवाल ये जनता से करते हैं और किस तरीके से दो समुदाय को आपस में लड़ाने का काम करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि जो इनकी राजनीतिक पार्टी है, जो इनके आका हैं, उनको राजनीतिक फायदा मिले। और अब ये वीडियो देखिए, ये बिहार विधानसभा कैंपस का है जहां पर कल अंजना ओम कश्यप एक शो करने पहुंची थी। वहां पर क्या था कि बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी समर्थक जय श्री राम का नारा लगाने लगे। उसके जवाब में आरजेडी के विधायक अनिल साहनी जी ने कहा आप अगर जय श्री राम लगाओगे तो उसके जवाब में हमारे पास जय भीम है। जय भीम, जय भीम, जय श्री राम का आवाज, जय भीम है। अब जय श्री राम लगाइए तो हम जय भीम लगावे, यही पर चलेगा। महंगाई भी ठीक, हमारे पप्पू जी, पप्पू भाई बोल रहे थे कि महंगाई कहाँ गया, बेरोजगारी कहाँ गया, गैस का सिलेंडर कहाँ गया। तो आपकी सरकार बन गई। जय श्री राम, जय श्री राम से खाली आंच में चूल्हा लगा के दिखा दे तब पता चलेगा। तो किस तरीके से अनिल साहनी ने बीजेपी समर्थकों की और अंजना ओम कश्यप की बोलती बंद कर दी कि जय भीम, आप अगर आप जय श्री राम बोलेंगे तो हमारे पास जय श्री राम है और ये देश संविधान से चलेगा ना कि मनुस्मृति से चलेगा। तो आप अंदाजे लगा सकते हैं कि किस तरीके के हालात हैं। और ये वीडियो थी कि कैसे गोदी मीडिया का जो है बायकॉट हो रहा है। और अब एक और, रिपब्लिक भारत जो सबका, देश का सबसे राष्ट्रभक्त चैनल बनता है, उसके जो महामहिम है अर्णब गोस्वामी, वो स्टेडियो में उछल कूद तो करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन जब उनके रिपोर्टर ग्राउंड पर जाते हैं तो उनको किस तरीके का सामना करना पड़ता है ये देख सकते हैं। आप देख सकते हैं रिपब्लिक भारत की एक एंकर हैं, रिपोर्टर हैं, जिसको हुटिंग की जा रही है और उनके बायकॉट किया जा रहा है। ये वीडियो भी पटना का है, बिहार का है, जहां पर ये लोग आरजेडी और जेडीयू की जो सरकार बनी है उसके खिलाफ कैंपेन चलाने पहुंचे थे लेकिन वहां की जनता ने इन्हीं के खिलाफ कैंपेन चला दिया और सड़क पर इनका विरोध जमकर किया, जहां से इनको दुम दबाकर भागना पड़ा। तो ये सारी वीडियो हमने दिखाई थी किस तरीके से तेज प्रताप यादव ने शपथ समारोह से एक गोदी एंकर को, गोदी मीडिया को किस तरीके से धक्का मारकर भगाया। वहीं दूसरी तरफ अंजना ओम कश्यप के साथ जो है वोटिंग की गई, इसके अलावा रिपब्लिक भारत की जो एंकर थी उसको भी जनता का विरोध का सामना करना पड़ा। वहीं तीसरी तरफ जो आरजेडी के विधायक है अनिल साहनी जी, उन्होंने जो जवाब दिया है कि अगर जब आप जय श्री राम बोलेंगे तो उसका सामना करने के लिए हमारे पास जय भीम है, जिससे अंजना ओम कश्यप उनका मुंह ताकती रह गई। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है क्योंकि बिहार में बहुजनों की सरकार बन चुकी है। इस वीडियो पर, इन सारी वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप किस तरीके से सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।